हेलो एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए, आवाज क्लियर, स्क्रीन क्लियर, ऑल सेट? सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, तो गुड इवनिंग गाइस। और आज हम सेट सेट कह रहा हूँ, हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एंशियंट हिस्ट्री एमसीक्यूज। ओके, सो डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर को और स्टार्ट करेंगे सीधा क्वेश्चन से और बढ़ते हैं। और ये एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें हैं, और मैंने आपको बताया था कि मैं एनसीईआरटी चीज़ें ही डिस्कस कर रहा हूँ। अभी अभी मैंने उस तरीके की क्लासेस नहीं स्टार्ट करी कि मतलब बेस्ट आपके हिस्ट्री क्वेश्चन ये वो सब चीजें, वो भी धीरे धीरे आएंगी। अभी जैसे कल की क्लास जो है वो बेस्ट 200 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के फॉर एसएससी एग्जाम्स। ऐसे ही धीरे धीरे स्टेट पीसीएस के लिए भी आएंगे और जितने जितने भी एग्जाम्स हैं वो आएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, और देखते हैं आगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सीधा आगे इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि सब जानते हैं, और बढ़ते हैं आगे जी। ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये सब लोग आप लोगों को पता है। सारे लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह सारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। जितनी भी सारी चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ से पता चलता है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सबके जो लिंक हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में पिंड किए होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आप जैसे आज हम एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आप मुझसे एंशियंट हिस्ट्री या बाकी हिस्ट्री के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस ये सब चीजें जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं सब्जेक्ट, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं 10,000 एमसीक्यू कोर्स। इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं, बहुत कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। तो इस क्लास को देखें और अपना कोर्स बाय करें, VIP फ्लैश कूपन कोड लगा के आपको ये इस प्राइस के ऊपर आपको कोर्स मिल जाएगा। GS कोर्स जो है हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें यहाँ पे स्टडी करी है। इन कोर्सेज को आप ले सकते हैं स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट खोलेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स वी ऑल का बटन। इस वी ऑल के बटन को आप दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 और GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा। फिर भी नजर ना आया, बिल्कुल नीचे जाना होम पेज पे, डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज नजर आ जाएगा, तो आपको ये कोर्सेज नजर आ जाएंगे। फिर भी नजर ना आए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड किया होता है, मैंने आपको बताया था सारे लिंक वहां पे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में होते हैं, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज, पहली सिटी जो डिस्कवर करी गई थी इंडिया में वो कौन सी थी? एक्चुअली इंडिया की बात यहां पे वो किसको लेके कर रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके कर रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में आती है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली जो जगह ढूंढी गई थी दैट वाज हड़प्पा। दैट्स व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको और कहा जाता है। क्लियर, हड़प्पा जो है रिवर रावी के किनारे पे ढूंढा गया एक जगह है, और ये जो है हड़प्पा पाकिस्तान में है। दयाराम साहनी जो है इन्होंने इसकी चीज को जो है हमें बताया था। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिलती हैं, जैसे कि सिमेट्री देखने को हमें मिलती है, ग्रेवयार्ड देखने को मिलता है मृतकों जो जहां पे दफनाए जाते थे, सिक्स ग्रीनरीज इन रो जो अन्न के भंडार हैं वो छह एक ही रो में देखने को हमें मिलते हैं। ये सब कुछ कहाँ पे देखने को मिलता है, हड़प्पा में देखने को हमें मिलता है। जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको हम और क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कांस्य यहाँ पे यूज होने लग गया था, कॉपर प्लस टिन से आपका ये बनता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि ये कॉपर और टिन की जो रेशियो होती है वो कितनी होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम और क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब प्राक ऐतिहासिक, यहां पे जो चीजें हैं वो लिखित नहीं है। हम चीजें पता कैसे करते हैं, कोई पिक्चरों से, सिक्कों से, या कुछ भी इस तरीके से कुछ भी हमें मिल जाता है, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। दूसरी बात, यहां पे मोहनजोदारो के बारे में लिखा हुआ है, इसको हम और क्या कहते हैं, ओएसिस ऑफ सिंध, दैट मींस सिंध में उपजाऊ भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर, और मोहनजोदारो को और क्या कहते हैं, डेट इज माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड,
ठीक है, और इसको ढूंढा गया था इंडस रिवर के किनारे पे, और इसने ढूंढा था रखल दास बनर्जी ने इसको ढूंढा था। सबसे पहले साइट हड़प्पा ढूंढी गई थी 1921 में, और उसके बाद मोहनजोदारो ढूंढी गई थी 1922 में। मोहनजोदारो जो है सबसे बड़ी साइट थी, लेकिन अब तो जो है राखीगढ़ी है, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान में बात करूं अभी भी मोहनजोदारो ही है सबसे बड़ी साइट। मोहनजोदारो की अगर हम बात करते हैं तो जो है यहां पे सबसे बड़ी जगह मोहनजोदारो की सबसे बड़ी जगह थी, दैट वाज ग्रेट ग्रीनरी, एक बड़ा अन्न का भंडार यहां पे हमें देखने को मिला था। पशुपति महादेव की सील हमें देखने को हमें मिली थी यहां पे, डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज इमेज यहां पे देखने को मिली थी यहां पे, ठीक है, और प्लस ग्रेट बाथ बड़ा स्नानगर जो है यहां पे हमें देखने को मिला था। सो ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया तुम्हें? यस, बियर्डेड मैन इज ऑल्सो देयर, बियर्डेड मैन इज ऑल्सो देयर, क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, वन हड़प्पा इज अ करेक्ट आंसर, हड़प्पा, क्लियर, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सी मेटल जो है यूज करी जाती थी वैदिक पीपल द्वारा, पीपल द्वारा, वैदिक पीपल द्वारा। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, एक्चुअली वैदिक पीरियड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वैदिक को कैसे, एक हम बात करते हैं अर्ली वैदिक एज को, एक हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज को, क्लियर। अर्ली वैदिक एज जो है वो 1500 से 1000 बीसी के बीच में आता है, और ये 1000 से 600 बीसी के बीच में आता है। अर्ली वैदिक एज, जब उसने वर्ड यूज किया वैदिक, तो इसका मतलब सीधा सा है लेटर वैदिक एज वर्ड यूज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमने अर्ली वैदिक को ही फोकस करना है यहाँ पे। तो अर्ली वैदिक में हमारी कॉपर यूज हो रही थी, कॉपर जो है सबसे पहले ढूंढी गई थी चालकोलिथिक एज में, क्लियर, ये याद रखना। और लेटर वैदिक एज में जो है, लेटर वैदिक एज में हमने ढूंढी थी आयरन, लोहा ढूंढा था, दैट्स व्हाई लेटर वैदिक एज इज आल्सो कॉल्ड द आयरन एज, क्लियर, याद रखना। अर्ली वैदिक एज को हम ऋग वैदिक एज के नाम से भी जानते हैं, ऋग वैदिक जो है, ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वर्ल्ड के अंतर्गत, ये सबको पता है आपको, और इसको पढ़ने वाला पंडित जो होता था वो था हुत्री, क्लियर। 10 मंडल है, 10वां मंडल जो है वो पुरुषुक्ता मंडल है, वो पुरुषुक्ता मंडल हमें क्या बताता है, पुरुषुक्ता मंडल हमें क्या बताता है, दैट इज आपके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में बात करता है, दैट इज वर्ण सिस्टम के बारे में हमें बात करता है। लेटर वैदिक में तीन आते हैं, दैट इज जो है ऋग्वेदिक हो गया, और सामवेद हो गया, ठीक है, यजुर्वेद हो गया, और अथर्ववेद हो गया, ये सारे इसमें आते हैं लेटर वैदिक एज में। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, कॉपर इज द करेक्ट आंसर। आयरन मैंने आपको बता दिया लेटर वैदिक एज में हमने ढूंढा था, और गोल्ड हम लेते थे कोलार माइन से, कर्नाटक से लेते थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर नंबर फोर, कॉपर इज द करेक्ट आंसर, कॉपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो मैं वैदिक को वहां से और भी कर सकता था, ऋग्वेद को पढ़ा सकता था, ये फिर तो एक चैप्टर ही हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि चीज को वो चैप्टर ही हो जाता फिर पूरा का पूरा। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द मैन वॉज, सेम डेट सेम क्वेश्चन, दैट इज कॉपर, कॉपर ही सबसे पहली मेटल यूज करी गई थी यहां पे, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको थोड़े से साइंस के रिलेटेड, थोड़े से ज्योग्राफी के रिलेटेड यहां पे मैं बताना चाहूंगा, कि अगर आपसे पूछा अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में सबसे मिलने वाली जो मेटल है वो कौन सी है, मेटल पूछा तो एल्युमिनियम थी, अगर एलिमेंट पूछा सबसे ज्यादा एलिमेंट हमें कौन सा मिलता है तो ऑक्सीजन आप टिक करेंगे, याद रखना। आयरन मैंने आपको बता दिया, दैट्स इट, बस। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आंसर इसमें क्या बनेगा, टू, कॉपर इज द करेक्ट आंसर, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलेक्जेंडर और पोरस की जो लड़ाई हुई थी वो कहां पे हुई थी। देखिए जब भी अलेक्जेंडर की बात करते हैं, अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर की बात कर रहे हैं, ये कहां से आया था, मैसेडोनिया और मकदूनिया कहते हैं इसको, और इसकी डेथ हुई थी बेबीलोन में, बेबीलोन में इसकी डेथ हुई थी, फिलिप का बेटा था ये, कौन, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जब भारत में आया था तो नंद वंश का रूल चल रहा था, और नंद वंश में कौन था रूलर, घनानंद रूल कर रहा था, ये याद रखना, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही अलेक्जेंडर इंडिया में आता है, सबसे पहले अंबी के साथ जो है इसकी लड़ाई होती है, तो अंबी पहले ही लड़ने से पहले ही अपना मतलब सर झुका देता है इसके सामने, लेकिन पोरस लड़ाई लड़ता है अच्छी खासी, पोरस लड़ाई लड़ता है और सर नहीं झुकाता, और इसकी लड़ाई को हम कहते हैं हाइडेस्पस की लड़ाई, और ये हाइडेस्पस ग्रीक भाषा में है, ठीक है, ग्रीक भाषा में है, और इसी को ही हम झेलम कहते हैं, तो इसका मतलब वन एंड टू दोनों ही इसके आंसर बनेंगे, ठीक है, वन और टू दोनों ही आंसर इसके बनेंगे, तो दोनों ही आपके करेक्ट आंसर है, ये याद रखना, ठीक है।
अलेक्जेंडर एंड पोरस। अब मैं आपको और बताना चाहूंगा, अलेक्जेंडर का एक सेनापति था, कमांडर इन चीफ था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, जो भारत में रह गया था। सेल्यूकस निकेटर ने मतलब लड़ाई करी थी किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पास कौन था, कौटिल्या, चाणक्या, जिसे हम कहते हैं इंडियन माइकावेली के नाम से इसको जानते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को भी हराया था, नंद वंश को हरा के अपने भारत देश में मौर्य वंश की स्थापना भी इसने करी थी। क्लियर, ये याद रखना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। बाकी कुछ और पॉइंट बताता हूं मैं आपको, जैसे कि झेलम की बात करते हैं तो झेलम को हम और क्या कहते हैं, वितास्ता। वितास्ता अगर आपसे पूछा ऋग्वेद में झेलम को क्या कहते थे, ऋग्वेद को वितास्ता कहते थे। इंडस को क्या कहते थे, इंडस को कहते थे सिंधु कहा जाता था, ठीक है। और रिवर रावी को क्या कहते थे, असीकनी कहा जाता था। और चेनाब को क्या कहते थे, सॉरी उल्टा हो गया, रिवर रावी को हम क्या कहते थे, पुरुषनी कहते थे, पुरुषनी, ठीक है। और चेनाब को हम कहते थे असीकनी, और रावी चेनाब ब्यास, ब्यास को कहते थे विपास, क्लियर। और झेलम मैंने आपको बता दिया, और तो नहीं कोई रह गया, सतलज, सतलज रिवर रह गई, सतलज को कहते थे सतुद्री, ठीक है, याद कर लेना, क्लियर। अब यहां पे जो दो पॉइंट्स और हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गोरी, ये मिडिवल हिस्ट्री के बीच में चले गए, लेकिन युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बताऊंगा। मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई हुई थी किसकी, दैट वॉज पृथ्वीराज चौहान की, क्लियर। 1191-1192 दोनों लड़ाई हुई है, पहली बैटल तराइन का युद्ध, दूसरी बैटल तराइन का युद्ध। पहली बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरी बैटल में मोहम्मद गोरी जीता था, क्लियर, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पानीपत की बात करता हूं तो पानीपत के तो तीन लड़ाइयां हैं, 1526, 1556 और 1761। 1526 हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर जीता था। और सेकेंड बैटल हुई थी पानीपत की बैरम खान, जो अकबर की साइड से लड़ रहे थे, और इसकी लड़ाई हुई थी हेमू विक्रमादित्य के साथ, बैरम खान अकबर जीता था। 1761 लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में, मराठाओं की साइड से सदा शिव राव भाऊ लड़ रहे थे, और इसमें जीता कौन था, अहमद शाह अब्दाली जीता था। पॉइंट समझ आया, तो ये पॉइंट याद रखने हैं सारे के सारे आपको, ये कुछ लाल पीला ज्यादा ही नहीं होगा बोर्ड हमारा आज। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। यस, बहुत बढ़िया। चलिए, पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, पोएट कालिदास, जो कालिदास हैं वो किसके टाइम पे थे, यस बता सकते हैं आप लोग किसके टाइम पे थे, पोएट कालिदास, आप आंसर बताओ, मैं थोड़े फैक्ट और बताता हूं आपको। कालिदास जी को हम कहते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखना। और संस्कृत भाषा में इनका बड़ा नाम है, संस्कृत भाषा में करते थे। और एक जो कवि थे जिनका नाम था, डेट इज भारवी, भारवी, ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है। पोइट भारवी और पोइट कालिदास का नाम, दोनों का नाम जो है इकट्ठा कहां पर आया हुआ है, डेट इज इन द आहियोल इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। ये आहियोल इंस्क्रिप्शन है कहां पे, दैट इज द कर्नाटका, क्लियर। कर्नाटका में ये किसकी इंस्क्रिप्शन है, रवि कृति की इंस्क्रिप्शन है। और इसी इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि चालुक्य वंश के राजा पुलाकेसिन टू ने, चालुक्य वंश के राजा पुलाकेसिन टू ने हराया था हर्षवर्धन को, हराया था। और ये रवि कृति ने सब कुछ इसमें लिखा था, क्लियर। अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पे नवरत्न, 9 हीरे 9 जेम्स रहते थे, और उन 9 जेम्स में एक ये भी था, ठीक है, नवरत्न। जैसे कि मिडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत की अगर मैं बात करता हूं तो अकबर थे, तो आपके इस साइड मतलब एंशियंट हिस्ट्री में नवरत्न विक्रमादित्य के पास थे, क्लियर। चंद्रगुप्त के बारे में बात, सॉरी कालिदास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने तो बहुत सारे जो है प्लेज लिखे हैं, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह, ठीक है, और बहुत सारी बुक्स वगैरह जो है इन्होंने लिखी है, यस बहुत सारे एपिक पॉइंट्स लिखी हैं, रघुवामसा, दीपवामसा, कुमार संभव, ऋतु सुहार, बहुत कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, मालविका अग्निमित्रम,
सब चीजें इन्होंने लिखी हुई हैं। किसने? दैट इज कालिदास जी ने लिखी हुई हैं। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर मैं बात करता हूं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे पहला चाइनीज पिलग्रिम हमारे भारत देश में आया था, दैट वॉज फाहियान। फाहियान पहला चाइनीज पिलग्रिम आया था। हर्षवर्धन की मैं बात करना चाहूंगा, हर्षवर्धन की पहली कैपिटल थी थानेश्वर, थानेश्वर, और थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट करी हमने कैपिटल, ठीक है, कन्नौज कैपिटल शिफ्ट करी, थानेश्वर हरियाणा में, कन्नौज यूपी में, ठीक है। और ये शिफ्ट करी, हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहते हैं जिनका नाम है भानभट्ट। भानभट्ट ने जो है हर्षवर्धन के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरिता, हर्षचरिता नाम की बायोग्राफी लिखी थी, क्लियर। कदम्बरी नाम की पुस्तक भी जो है इसने लिखी है, किसने? दैट इज द हर्षवर्धन के जो कवि हैं भानभट्ट ने। हर्षवर्धन खुद एक लेखक है, हर्ष, ये बोर्ड कम पड़ेगा आज हमारा, हर्षवर्धन खुद लेखक हैं। इन्होंने रत्नावली, रत्नावली, प्रियादर्शिका, प्रियादर्शिका, और बताओ एक और पुस्तक है, रत्नावली, प्रियादर्शिका, और बताओ फटाफट, रत्नावली, प्रियादर्शिका, नागानंद, नागानंद, ये पुस्तकें किसने लिखी हैं? हर्षवर्धन ने लिखी हैं, क्लियर। समुद्रगुप्त जिन्हें हम नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, और ये किसने बोला था? वी ए स्मिथ ने इनको बोला था। इनको कविराज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो हैं समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया, वी ए स्मिथ, और दैट्स इट। और चंद्रगुप्त मौर्य ये संस्थापक है मौर्य वंश के, दैट्स इट। क्लियर हो गया तुम्हें? समझ आया? समझ आ भी रहा है, बस ऐसे चल रहा है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संगम एज जो है वो किसके साथ एसोसिएट करता है? संगम एज एक्चुअली ये साउथ इंडिया के बारे में डील करता है। ये तमिलनाडु के जब कवियों का मिलन होता था, दैट इज पॉइंट सम्मेलन, कवि सम्मेलन जिसे हम कहते हैं, कवि मिलते थे उस टाइम को हम संगम एज कहते थे। इनका मेन जो प्रचलन हुआ था वो पांड्य वंश के टाइम पे हमें देखने को मिला था, पांड्य वंश के टाइम पे। संगम एज में तीन संगम हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला और तीसरा तो आपका हुआ है मदुरई में, जिन्हें हम सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से, क्लियर। और ये मदुरई वही जगह है तमिलनाडु में जहां पे गांधी जी हाफ नेकेड हुए थे, उसके बाद उन्होंने शर्ट नहीं पहनी थी उसके बाद से। और सेकंड जो हुआ था कपाटपुरम, पॉइंट समझ आया तुम्हें? कपाटपुरम में देखने को आपको मिला था, क्लियर। फर्स्ट मीटिंग में चेयरपर्सन कौन थे? अगस्त्या। दूसरी में भी अगस्त्या थे, लेकिन अगस्त्या को मतलब हट गए थे, फिर बनाया गया था तोलका पीआर को, तोलका पीआर को, ठीक है। और तोलका पीआर जी ने एक पहली तमिल लिटरेचर लिखा था जिसका नाम था तोलका पीएम, तोलका पीएम द फर्स्ट तमिल लिटरेचर, याद रखना है। मदुरई थर्ड है, थर्ड में आपके चेयरपर्सन थे नकीरार, नकीरार ये थर्ड चेयरपर्सन थे यहां पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना है। और दैट इज इन द तमिलनाडु, क्लियर। खजुराहो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खजुराहो में चंडेल वंश द्वारा मंदिर बनाया गया है, चंडेल वंश, क्लियर, चंडेल वंश द्वारा टेम्पल है खजुराहो टेम्पल, यस, इंपॉर्टेंट, समझ आ गया तुम्हें? चलो तुम्हें एक और फैक्ट बताता हूं संगम के बारे में। संगम के टाइम पे आपको पता है तीन थे, चेरा, चोला और पांड्यास, ये थे, ठीक है। पांड्यास का एम्बलम था फिश और चेरा का बो एंड एरो, बो एंड एरो। चोलास का बता सकते हो? यस, टाइगर, बिल्कुल सही, टाइगर, ठीक है, ये याद रखना। और इनकी जो कैपिटल्स पूछी जा सकती हैं आपको, पांड्यास की तो मदुरई कैपिटल थी, ठीक है, मदुरई कैपिटल थी। और चोला वंश की कैपिटल क्या थी? उरियूर, पुहार, सो दीज आर द कैपिटल्स। और चेरा वंश की कैपिटल क्या थी? वंजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैपिटल वॉज बंजी, तो इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग में पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान से समझ के चलना। तो देखिए जी, ये है चेरा, चोलास, पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महावीर जैन जी के ऊपर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यस, महावीर जैन जी के ऊपर क्वेश्चन है। महावीर जैन वॉज बॉर्न इन द क्षत्रिय क्लैन बाय द नेम ऑफ, किसके नेम से जो है इनका जन्म हुआ था?
बता सकते हैं आप लोग? एनीवन? बिल्कुल सही, जनत्रिका। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। और जैन धर्म में तीर्थंकर वर्ड यूज किया जाता है, तीर्थंकर। और जो है ये महावीर जो जैन थे, ये 24 तीर्थंकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऋषभदेव ऋषभनाथ जो है वो पहले थे। समझ आया? ऋषभदेव ऋषभनाथ जो थे वो पहले थे। वेरी गुड, क्लियर। और जैसे बुद्ध धर्म में जब सुप्रीम नॉलेज मिल जाती है, इनलाइटनमेंट कहते हैं, अगर जैन धर्म में सुपीरियर नॉलेज मिल जाती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैवल्या। कैवल्या इज द सुपीरियर नॉलेज। सो आंसर इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। यार ये तो फटाफट बता दोगे, ये तो तुम फटाफट बता दोगे, इसमें तो कुछ समझने की जरूरत नहीं है। हर्षचरिता वॉज रिटन बाय, दैट इज भानभट्ट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हर्षचरिता कालिदास को पढ़ चुके हैं, भानभट्ट को पढ़ चुके हैं, हर्षवर्धन को अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायणा, रामायणा। ठीक है, और रामायणा को पर्शियन भाषा में कन्वर्ट किसने किया था? बदोनी ने कन्वर्ट किया था, अकबर के टाइम पे, याद रखना। और रामायण के ऊपर याद कर लीजिए, रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखी है? दैट वॉज बाय द तुलसीदास जी। और कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखी है। क्लियर। व्यास, वेद व्यास, वेद व्यास जी ने क्या लिखी है? महाभारता। महाभारत जो है ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट एपिक है, महाकाव्य है। महाभारत को पर्शियन भाषा में, फारसी भाषा में बदोनी ने ही चेंज किया था, और इसका नाम रखा गया था रजमनामा, रजमनामा। क्लियर। और महाभारत का को हम और क्या कहते हैं? जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जय संहिता। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? भानभट्ट इज द करेक्ट आंसर, भानभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। शाबाश, आ रहा है समझ? मजा आ रहा है तुम्हें? सारे फैक्ट जो रिकॉल हो रहे हैं तुम्हारे? यस, सारे फैक्ट्स जो है रिकॉल हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट इज द गुप्त वंश के टाइम पे हुंस का जो अटैक है उसको स्टॉप किसने किया था? जाने कि उनको पछाड़ दिया था। कौन है वो पर्सन जिन्होंने हुंस को भगा दिया था इंडिया में, इंडिया से मतलब यहां से भगा दिया था? एक्चुअली जो हुंस का अटैक सबसे पहले जो हुआ था वो कुमार गुप्ता के टाइम पे देखने को मिला था, लेकिन यहां पे बात क्या कर रहे हैं? स्टॉप किसने खत्म किया था? एंड दैट इज द स्कंद गुप्त। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, स्कंद गुप्त इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया तुम्हें? यस, स्कंद गुप्त। और ये विष्णु धर्म को फॉलो करता है, विष्णु भगवान को मानता है, तो ये वैष्णवेट है, वैष्णवेट है, याद रखे। क्लियर। कुमार गुप्ता के बारे में हम बात करेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पे है? बिहार में। और ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी। बिहार में यूनिवर्सिटी एक और भी है, विक्रमशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भी जो है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। और इसको बनाया था डेट वॉज धर्मपाल ने, जो पाल वंश के राजा थे। ठीक है, और इन दोनों यूनिवर्सिटियों को तोड़ा किसने था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका कमांडर इन चीफ था, दैट वाज बख्तियार खिलजी, उसने तोड़ा था इसको। ठीक है, याद रखें। समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया, वी स्मिथ और कविराज के नाम से इनको जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हैं। चंद्रगुप्त की बात करते हैं, चंद्रगुप्त वन की बात करते हैं, तो गुप्ता वंश के संस्थापक है, रियल फाउंडर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त वन की अगर मैं बात करता हूं तो रियल फाउंडर है आपके गुप्त वंश के। लेकिन अगर आपसे पूछा गुप्त वंश के फाउंडर का नाम बता दीजिए, तो फाउंडर तो कौन थे? श्री गुप्त थे, फाउंडर वॉज श्री गुप्त। क्लियर, ये याद रखना। और ये जो चंद्रगुप्त है ना, इनका टाइटल था महाराज अधिराज, महाराज अधिराज का टाइटल था इनका। ठीक है, ये याद रखने तुमने पॉइंट सारे के सारे। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चरक वॉज फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, चरक ने लिखी थी चरक संहिता मेडिसिन के ऊपर। ठीक है, एंड ही इज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। कनिष्क के टाइम पे अश्वघोष भी था, अश्वघोष ये राइटर था जिसने लिखी थी बुद्ध चरिता, याद है तुम्हें?
बुद्ध चरिता, और कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी ना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में डिप्टी चेयरपर्सन ये थे, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में चेयरपर्सन कौन थे, वास्तु मित्रा। तो मतलब वास्तु मित्रा भी इनके टाइम पे बिलोंग करते हैं, किनके टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर है ये। क्लियर हो गया तुम्हें? यस। अगर हम बात करते हैं कनिष्क की, तो कनिष्क जो है इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई कहां पे, कश्मीर में। चेयरपर्सन डिप्टी चेयरपर्सन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और यहां पे बुद्ध धर्म हीनयान और महायान में डिवाइड हो चुका था, ये याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर। और कनिष्क को हम और क्या कहते हैं, दूसरा अशोक के नाम से भी जानते हैं। सिल्क रूट जो चाइना के को डील करता था, उसके साथ लिंक करता था, उसके ऊपर भी कंट्रोल इसका था। कनिष्क के बारे में बात करें, इसको दूसरा अशोक कहते हैं, क्योंकि इसने बुद्ध धर्म का प्रचार किया था चाइना, कोरिया, जापान, जहां पे लोगों को भेजा था बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। अशोक की बात करें, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी इन्होंने पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में। क्लियर। और मोखाली मोगलिपुत्तिस वॉज अ चेयरपर्सन, और यहां पे अभी धाम पिटक जो है पुस्तक लिखी गई थी बुद्ध धर्म की, तीसरी पिटक जो पाली भाषा में लिखी गई थी। अशोक का जो युद्ध हुआ था 261 BC में हुआ था, दैट वाज कलिंग का युद्ध, और इसका वर्णन जो है रॉक एडिक्ट किस में लिखा गया है, 13वीं में लिखा गया है, मेजर रॉक एडिक्ट 13वां में लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य हम डिस्कस कर चुके हैं, हम हर्षवर्धन को डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 4, कनिष्क इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। बेस्ट प्रोडक्शन जो है आपकी जो है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स की, या गंधार स्कल्प्टर्स की, कब देखने को आपको मिली थी। देखिए गंधार की अगर हम बात करते हैं, गंधार की, यस एनीवन बता सकते हैं, ये ग्रीक है, ठीक है, यस। तो ये आया था कुषाण वंश के टाइम पे। देखिए कुषाण वंश के टाइम पे दो स्कूल आए थे, तीन आए थे एक्चुअली, एक तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स, और एक थे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, एक था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स, जो आंध्र प्रदेश वाले इलाके में देखने को हमें मिलता है, ठीक है। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स में ग्रे सैंडस्टोन यूज होता था, ग्रे सैंडस्टोन, और मथुरा में यूज होता था रेड सैंडस्टोन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स में कोई भी जो मूर्त बनती थी ना, उसके कर्ली हेयर्स बनाए जाते थे, ठीक है, और जो मस्कल होते थे प्रॉपर तरीके से बॉडी के, वो प्रॉपर तरीके से मसल्स बनाए जाते थे, ठीक है, ऐसे करके। और आंखें, अगर मैं बात करूं आंखें बोलना जिसे हम कहते हैं, आंखें बोलती हैं, तो उस तरीके की पिक्चर्स को डिनोट किया जाता था, बनाया जाता था। क्लियर। और ग्रेट सैंडस्टोन यूज होता था, और ग्रीक पीपल लेके आए थे हमारे भारत देश में। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बामियान स्टैचू जो अफगानिस्तान में है बुद्ध का, बुद्ध भगवान का, ठीक है, तो वो जो है वो किस स्कूल ऑफ आर्ट्स में बना हुआ है, वो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स में बना हुआ है। लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो रेड सैंडस्टोन यूज होता था, यहां पे जो कनिष्क की जो हेडलेस स्टैचू है, हेडलेस स्टैचू कनिष्क का, वो किस में बना हुआ है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में बना हुआ है, ये याद रखना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। गुप्त टाइम के पीरियड को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ क्लासिकल एज ऑफ द एंशिएंट इंडिया, पुरातन टाइम की जो है आपकी आधुनिक मतलब पुरातन भारत की क्लासिकल एज के नाम से जानते हैं। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, यस यस। अमरावती इज द कैपिटल ऑफ सतवाहना, यस बहुत बढ़िया, सतवाहना की कैपिटल थी। ठीक है, चलिए जी। The sea shore temple at Mahabalipuram was built by Mahabalipuram, जहां पे आपका 7 pagodas देखने को मिलता है, group of temples हैं यहाँ पे, 5 monolithic rock pillar के ऊपर जो है ये बना हुआ है 7 pagodas, clear, 5 रथ हैं उसके। तो ये जो है किसके टाइम पे बना था, नरसिम्हा वर्मन 1 के टाइम पे देखने को हमें मिला था। नरसिम्हा वर्मन 1 कौन है, ये पल्लव वंश का राजा है, पल्लव वंश की कैपिटल है कांची, क्लियर, ये याद रखना। पर नरसिम्हा वर्मन वही पर्सन है जिसने पुलाकेसिन 2 को हराया था। ये पुलाकेसिन 2 कौन है, ये चालुक्य वंश का राजा है जिसकी कैपिटल है वातापी। तो इसका मतलब वातापी को जीता किसने, नरसिम्हा वर्मन 1 ने। दैट्स व्हाई नरसिम्हा वर्मन 1 ने एक टाइटल लिया था, दैट वॉज वातापी कोंडा। तो पेपर में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन भी, क्लियर। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, नरसिम्हा वर्मन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजंता एंड इलोरा बिलोंग टू, द केव्स ऑफ द अजंता एंड इलोरा बिलोंग टू, इनमें से किसके साथ लिंक करती हैं, इसमें किसके साथ लिंक करती हैं,
देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, अजंता केव्स जो हैं टोटली बुद्धिस्ट केव्स हैं आपकी, पूरी की पूरी बुद्धिस्ट केव्स हैं, जहां पे लिखी गई हैं जातक टेल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जातक टेल्स? द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान, प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान, क्लियर। जो एलोरा केव्स हैं ये आपकी टोटल है 34, जिसमें से 17 जो हैं वो बुद्ध धर्म के लिए हैं, क्लियर, और 12 जो हैं वो हिंदू धर्म के लिए हैं, और 5 जो हैं वो जैन धर्म के लिए देखने को हमें मिलती हैं यहाँ पे, क्लियर। तो इसका मतलब टोटल सबसे ज्यादा किसकी हो गई? बुद्धिस्ट की। तो हम इसको बुद्धिस्ट को टिक करेंगे, बट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बता दिया कैसे कैसे वो डिवीजन है, तो उसको पेपर में देख लेना, ठीक है। अगर इसका आपको पूछा कि एलोरा केव्स जो कितनी है, तो 34 है, हर धर्म की है, बुद्ध हिंदू और जैन धर्म की। पॉइंट समझ आया? तो गड़बड़ मत कर देना। क्लियर, चलिए आगे बढ़े ना। ये अभी डिस्कस किया था, डेट मॉस नालंदा यूनिवर्सिटी, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सभी पर्सन के बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है। यस बताइए। जी जो ये उत्तरामेर इंस्क्रिप्शन है आपका, अभिलेख है, ये हमें किस चीज के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देता है, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? यस बता सकते हैं? यस एक्चुअली क्या होता था, जो चोल वंश के टाइम पे लोग होते थे ना, जो काम करते थे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिसक्वालिफिकेशंस क्या है, कैसा काम होगा, अगर नहीं हुआ तो कैसे सही कर सकते हैं, वो उनके बारे में हमें ये बताता था चोल वंश के टाइम पे, क्लियर। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, जो उत्तरामेर जो है ये ओरिजिनली बिलोंग किसके साथ करता था? पल्लव वंश के साथ बिलोंग करता था, लेकिन इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो चोल वंश के साथ आपका नाम आएगा, क्योंकि पल्लव वंश के जो राजा थे नंदीवर्मन, नंदीवर्मन उन्होंने एक किया था ब्रह्मदया, ब्रह्मदया, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मदया? ब्रह्मदया का मतलब था जो लैंड होती थी ना, वो गिफ्ट करी जाती थी ब्राह्मण्स को, उसको हम कहते हैं ब्रह्मदया, क्लियर। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? 4, चोल वंश इज द करेक्ट आंसर। लेकिन कुछ फैक्ट और याद करेंगे, चोल वंश के बारे में बात करें, इनकी कैपिटल थी तंजोर, इनके जो आपके फाउंडर थे उनका नाम था विजयाल्या, जो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। सतवाहना, इनकी कैपिटल थी अमरावती, और सतवाहना के जो फाउंडर थे उनका नाम था सिमुका, लेकिन इनके बड़े मतलब जो बड़े इंपॉर्टेंट रूलर थे उनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। और जो ये लोग हैं सतवाहनास हैं, इनको आंध्रास के नाम से भी जानते थे, आंध्रास के नाम से। चालुक्या पढ़ चुके हैं, पल्लव पढ़ चुके हैं, तो आंसर नंबर डी चोल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिट्टो क्वेश्चन, अगर आपको याद ना हो तो फटाफट टिक कर देते हैं, इसको निकलें आगे। तो गंधार जो स्कूल ऑफ आर्ट्स है वो कुषाण वंश के टाइम पे प्रचलित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये बता सकते हैं आप लोग, ये बता सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है ये इंस्क्रिप्शन चालुक्य वंश की, जो पुलाकेशिन टू के साथ लिंक करती है वो कौन सी है? आहियोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अभी डिस्कस किया था। और आहियोल इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है हर्षवर्धन को इन्होंने हराया था, वगैरह वगैरह। और कर्नाटका में है, रवि कृति की इंस्क्रिप्शन है ये भी हमने बताया था, डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, मस्की इंस्क्रिप्शन एक ऐसी इंस्क्रिप्शन है जहां पे अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो किंग खारवेल की इंस्क्रिप्शन है उड़ीसा में, क्लियर, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर सी आहियोल इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अगला बताइए, मौर्य डायनेस्टी को
को ने किसको सक्सीड किया था और मगध के ऊपर रूल किया था इमीडिएटली मौर्य वंश ने। अभी डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने मदद ली थी चाणक्य, कौटिल्य, इंडियन माइकावेली से, जिसने हराया था धनानंद को, डेटिवस नंद वंश को हराया था। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश जो है भारत में आपका बन चुका था। क्लियर, याद रखना। सत्वाहनास बात कर चुके हैं, शुंग शुंग जो है एक्चुअली मौर्य वंश के जो राजा थे, लास्ट राजा, मौर्य वंश का लास्ट किंग कौन था? दैट वाज बृहद्रथ, बृहद्रथ, ठीक है। और बृहद्रथ जो है ये जो बृहद्रथ राजा था, इनका कमांडर इन चीफ था, दैट वाज पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को हराया और शुंग वंश स्थापित कर दिया, और शुंग वंश की कैपिटल जो बनाई थी, पाटलिपुत्र जो है बनाई थी। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। कानवा की अगर मैं बात करता हूं तो इसके फाउंडर कौन है? वासुदेव कानवा। ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन, आपको जो मैं फाउंडर वगैरह के नाम लिख रहा हूं ना, जब बता रहा हूं तुम्हें, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से गड़बड़ मत कर देना पेपर में। ये तो बता दोगे, कितने बार पढ़ लिया अभी आज ही के लेक्चर में हमने कितने बार पढ़ लिया इसका आंसर, फटाफट टिक करो। कनिष्क, हर्ष पढ़ चुके हैं, पुलकेशिन पढ़ चुके हैं, विक्रमादित्य पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अच्छा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में मैंने एक पॉइंट नहीं बताया था आपको, मेहरुली आयरन पिलर, आयरन पिलर मेहरुली जो कुतुब मीनार के पास है दिल्ली में, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम पे है। आंसर नंबर वन। ये हेडलेस स्टैचू है कनिष्क का, याद है तुम्हें, अभी बताया था। कौन से स्कूल ऑफ आर्ट्स में बना हुआ है? चलो फटाफट बताओ कमेंट में, कौन से स्कूल ऑफ आर्ट्स में बना हुआ है कनिष्क का? यस बताओ, ठीक है। और दैट्स इट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में, रेड सैंडस्टोन में, यस। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा जो है स्तूप नहीं है? देखिए एक्चुअली क्या है, स्तूप क्या होते थे, जो आपके अवशेष होते, अवशेष तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब जब ये बुद्ध धर्म के जो लोग होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे जो फॉलो करते थे, मतलब नाम होता था उनका, जहां डेथ हो जाती थी वो स्तूप खड़े कर देते थे वहां पे, और उनकी टीचिंग्स वगैरह वहां से आपको बताई जाती थी। एक्चुअली स्तूप तो इंपॉर्टेंट है ही है बुद्ध धर्म में। एक जो इंपॉर्टेंट है, एक है विहार, एक है चैत्यास, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। विहार वो होते थे जो बुद्ध धर्म में रेजिडेंशियल हॉल होते थे, और चैत्य वो होते थे जो कि रिलीजियस हॉल होते थे बुद्ध धर्म में। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात ये है, इनमें स्तूप कहां पे नहीं है? तो रांची में कोई स्तूप नहीं है। क्लियर। सांची, सांची स्तूप आपको पता है अशोक द्वारा बनाया गया था, मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिलता है यहां पे। क्लियर हो गया तुम्हें जी। और बरहूत स्तूप कहां पे है? बरहूत बताओ फटाफट। यस, अलाहाबाद और जबलपुर के बीच में, अलाहाबाद और जबलपुर के बीच में, यस, मध्य प्रदेश में ही हम बात करते हैं इसको। समझ आया तुम्हें? क्लियर हो गया? ठीक है। तो गाइस ये थे क्वेश्चन। आपको लगेगा क्लास शॉर्ट, लेकिन आज की क्लास में इतनी नॉलेज अगर आपको मिल गई है ना, तो वो आपको लगाएंगे 2 घंटे। अब आप नोट डाउन करोगे चीजें तो मजा आएगा आपको, ठीक है। तो गाइस ये थे क्वेश्चन। बाकी सुबह 9 बजे क्लास होगी और शाम को 9 बजे क्लास होती है, सबको पता है। जिनको नहीं पता, जो बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, उनको पता होना चाहिए। बाकी अपडेट्स वगैरह जो होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते हैं यहाँ पे। क्लियर। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं सारे लेक्चर्स, PDF सब कुछ आपको बताता रहता हूँ कि कौन सी क्लास होनी है, कब होनी है, कैसे होनी है। क्लियर। और आप अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन करना चाहते हो, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट देना चाहते हो, डेली टेस्ट देना चाहते हो, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 MCQ कोर्स। इस कोर्स में सब चीजें अवेलेबल है, और ये कोर्स के अंदर आप VIP फ्लैश कूपन कोड आप लगा लेना तो आपको ये डिस्काउंट मिलकर आपको कोर्स मिल जाएगा। GS कोर्स हमारा एक थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें यहाँ पे हमने स्टडी करी है। इन कोर्सेज को आप कहां से ले सकते हो? स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर। बाकी सब चीजों के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, बट अदरवाइज यहां पे स्टडी IQ ऐप जैसे खोलेंगे, होम पेज नजर आएगा, यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, व्यू ऑल का बटन दबाना तो आपको 10,000 MCQ कोर्स नजर आ जाएगा। फिर भी नजर ना आया तो होम पेज में जाना, बिल्कुल नीचे वहां पर नजर आएगा डॉक्टर विपन गोयल कोर्सेज। क्लियर। तो वहां से ये कोर्सेज नजर आ जाएंगे। इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी गिवन है। दैट्स इट। क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, ठीक है।
पढ़ो अपना, तैयारी करो, बस आगे बढ़ो। क्लियर होगा जी? सो टेक केयर गाइज, और बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मॉर्निंग में। सो गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।